साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर ग्राम में चार अपराधी के द्वारा अपराध की योजना बनाने के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रत्नेश कुमार रतन के द्वारा छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया, जिसमें अभियुक्त के साथ में 3 हथियार और 10 गोली और भी बरामद की गई, जिसमें नारद यादव रघुनाथपुर निवासी, भारो यादव रघुनाथपुर निवासी एवं उनके साथ रविंद्र यादव और ब्रजेश यादव पिंटू यादव को भी घटनास्थल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि पांचों व्यक्ति मिलकर अपराध की घटना को अंजाम देने जा रहे थे। साहेबपुर कमाल से बबलू कुमार की रिपोर्ट। कहां से सर गिरफ्तारी हुई है? रघुनाथपुर से गिरफ्तारी किया गया है। क्या कहीं के लूट घटना का अंजाम देने के फिराक में? हाँ, ये अपराध करने की योजना बना रहे थे और उसी क्रम में नारद यादव और धारो यादव, नारद यादव क्रिमिनल अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, पूर्व में भी कई कांड पर रहे हैं, खगड़िया से भी वांटेड है और इसी की सूचना थी कि कोई अपराध करने की योजना ये बना रहा है। इसी सूचना पर वहाँ छापेमारी की गई, जिसमें उसके सहयोगी और भी पकड़े गए हैं, जिनके पास 3 हथियार और भी कारतूस बरामद किए गए।